एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है वो है बहुत ही मज़ेदार ट्रिक, एंड देखते हैं ये ट्रिक क्या है। तो ये ट्रिक जो है आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड है, और जैसा कि आप देख सकते हो सम्राट अशोक के शिलालेख के प्राप्ति स्थलों की ट्रिक है। तो आपको पता है कि सम्राट अशोक के कई जगह शिलालेख, स्तंभ लेख, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। तो उनमें से कुछ जो 14 शिलालेख बोले जाते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट, उनकी ट्रिक जो है ये है। तो 8 जगहों से वो 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो कौन कौन सी जगह है, कौन कौन सी लिपियां हैं, तो ये सारा आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए ट्रिक है हमारी, शाम को जो सोए गधा। तो फनी है और इसी वजह से आपको लर्न भी जल्दी होगी। तो देख लेते हैं। तो देखिए शाह जो आया है वो है शाहबाज गढ़ी के लिए, यानी कि पाकिस्तान के लिए, और लिपि है खरोष्ठी। तो खरोष्ठी लिपि, और फिर आप देख सकते हो आगे ब्राह्मी भी लिखा है। तो क्या होती है खरोष्ठी और ब्राह्मी, ये थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। जो भी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है वो खरोष्ठी बोली जाती है। खरोष्ठी लिपि मतलब दाएं से बाएं लिखने की तरीका, ठीक है, लिपि। और जो बाएं से दाएं लिखी जाती है वो ब्राह्मी, ठीक है। तो जो शाहबाज गढ़ी पाकिस्तान में जो भी शिलालेख प्राप्त हुए वो खरोष्ठी लिपि में प्राप्त हुए। मानसेहरा के आगे मैंने ये लगा दिया है कि आप समझ जाओ कि ये भी पाकिस्तान में ही है, ठीक है। तो मानसेहरा से जो प्राप्त हुए शिलालेख वो भी खरोष्ठी लिपि में ही प्राप्त हुए, ठीक है। तो अशोक के शिलालेख दो, तो ये जो इंडिया के बाहर पाकिस्तान और मतलब पाकिस्तान से प्राप्त हुए दो शिलालेख, कौन कौन से, शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा के, ठीक है, दो जगहों पर। तो दोनों हैं खरोष्ठी लिपि के। इसके अलावा और भी जगहों से स्तंभ लेख और शिलालेख वगैरह प्राप्त हुए हैं, जिनमें आपका नेपाल भी आता है, जिनमें आपका अफगानिस्तान भी आता है, लेकिन हम यहाँ पे जो 14 शिलालेख हैं उनको देख रहे हैं अभी। तो जो 14 शिलालेख हैं वो आपके मेन यही हैं। तो चलिए, तो ये हो गया शाम का, ठीक है। शाम आपको इससे भी समझ सकते हो, जो शाम जितना वर्ड है पूरा पाकिस्तान से रिलेटेड है और खरोष्ठी लिपि। बाकी ये जितने भी शिलालेख हैं सारे के सारे ब्राह्मी लिपि के हैं, ठीक है, सारे इंडिया के अंदर है और सारे ही सारे ब्राह्मी लिपि के लिखे हुए हैं। तो देखिए को से है कालसी, कालसी जो है आपके उत्तराखंड में, ठीक है, को से है कालसी और कालसी है उत्तराखंड में। जो से है जौगढ़ और जौगढ़ है उड़ीसा में, ये भी ब्राह्मी लिपि का ही है। सो से है सोपरा और सोपरा भी है महाराष्ट्र में, यानी कि आपका इंडिया में ही। तो ये जितने भी हैं इसके बाद के वो सारे इंडिया में ही हैं, मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी के बाद ये सारे इंडिया में ही हैं, ठीक है। तो सोपरा पड़ता है महाराष्ट्र में, ये भी ब्राह्मी लिपि का ही शिलालेख है। एरगुड़ी जो है आंध्र प्रदेश, ब्राह्मी लिपि का शिलालेख प्राप्त हुआ। गिरनार गुजरात, ब्राह्मी लिपि का शिलालेख। धौली उड़ीसा, ब्राह्मी लिपि का शिलालेख, ठीक है। गिरनार जो आपका काठियावाड़ इलाका पड़ता है, वहाँ भी आप बोल सकते हो काठियावाड़, मेन जगह जो पड़ती है वो काठियावाड़ पड़ती है, ठीक है। तो ये है सम्राट अशोक के शिलालेखों की प्राप्ति स्थलों की ट्रिक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एंड इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कैसी लगी आपको आज की ट्रिक मुझे बताना मत भूलिएगा कमेंट में। एंड हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।